जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्टूडेंट्स का आईक्यू जाना। राज्यपाल ने स्टूडेंट से सामान्य ज्ञान आधारित सवाल पूछे जिनके स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिए। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज यंग इंडिया फिट इंडिया को युवाओं और स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी जरूरत है, वहीं स्वच्छ भारत और नशा मुक्त हिमाचल की भी जरूरी है। जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्टूडेंट्स का आईक्यू जाना। राज्यपाल ने स्टूडेंट्स से सामान्य ज्ञान आधारित सवाल भी पूछे जिनके स्टूडेंट ने सही उत्तर दिए। ऑडिटोरियम में एकत्रित हुए कॉलेज स्टूडेंट ने राज्यपाल ने पहला सवाल पूछा कि अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताओ, और दूसरा सवाल था कि सुबह 5 बजे कौन कौन उठता है, खेल कूद और योग करने वाले बच्चे कौन कौन है। इसके बाद राज्यपाल ने पूछा कि स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी किस किसने पढ़ी है। राज्यपाल द्वारा पूछे गए सवालों पर चंद एक स्टूडेंट द्वारा ही जवाब के लिए हाथ खड़े करने पर उन्होंने कहा कि मैं फिर से धर्मशाला आऊंगा और आपसे सवाल करूंगा, ऐसे में आप सभी को तैयार रहना है और अगली बार 100% स्टूडेंट्स के हाथ जवाब देने के लिए खड़े होने चाहिए। उन्होंने गर्ल्स स्टूडेंट से अपनी सुरक्षा के लिए कराटे सीखने का आह्वान करते हुए हर क्षेत्र में आगे रहने की बात कही। राज्यपाल ने इंटरेक्शन विद स्टूडेंट कार्यक्रम को PM नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान से जोड़ते हुए इस अभियान को सफल बनाने के लिए मेहनत करने का आह्वान किया। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज यंग इंडिया फिट इंडिया की युवाओं और स्टूडेंट की सबसे बड़ी जरूरत है, वही स्वच्छ भारत और नशा मुक्त हिमाचल भी जरूरी है। स्टूडेंट को करेक्टर बिल्डिंग और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए। मैंने बताया था कि आज विश्व में जो है यंग इंडिया फिट इंडिया, ये हमारे यंग के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी, युवा वर्ग, उनको जो है बहुत ही ज़रूरत है। वैसे ही स्वच्छ भारत और नशा मुक्त हिमाचल प्रदेश, सारा इसका अर्थ है अपना कैरेक्टर बिल्डिंग करना और साथ साथ जो है अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना। उसके लिए महापुरुषों को विवेकानंद और हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, अब्दुल कलाम जैसे लोगों की जीवनी पढ़ना, आदर्श से रहना और अच्छा रहना, जीवन अच्छा।